हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉफ्ट स्टडी पर। आज की इस वीडियो में आपके लिए क्लास ट्वेल्थ समाज शास्त्र फर्स्ट चैप्टर भारतीय समाज एक परिचय से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लाया गया है। और इस वीडियो के जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं तथा वही क्वेश्चन को लिया गया है जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। शुरू करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोसाइटी नामक पुस्तक का रचयिता कौन है? तो आपको बताने हैं सोसाइटी नामक पुस्तक किसने लिखा, किसने रचना की इसकी। तो आपके पास ऑप्शन है मैकाइवर एवं पेज, पी जिस बर्ट, एच एम जॉनसन या इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको इस वीडियो का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना है तो आपको जिस भी क्वेश्चन का आंसर पता हो नीचे कमेंट में कमेंट करते चलिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैकाइवर एवं पेज। और फ्रेंड्स आपको ये भी याद रखना है, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, कि मैकाइवर एवं पेज के अनुसार जो समाज शास्त्र का जो डिफिनेशन है, उन्होंने कहा था कि समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों का विषय है। और उनके अनुसार जो था, उन्होंने कहा कि समाज किसे कहते हैं, तो जो बोले हुए कि सामाजिक संबंधों के विषय है और संबंधों के इसी जाल को क्या कहते हैं, तो हम लोग समाज कहते हैं। तो याद रखने हैं, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है कि मैकाइवर एवं पेज के अनुसार समाज शास्त्र की क्या परिभाषा है। तो याद रखना है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने सीमांत मानव की अवधारणा दी है? आपके पास ऑप्शन है मार्क्स, पार्सन्स, मर्टन, जॉनसन। देखिए आपके एग्जाम 2011, 2015 और 2016 में क्वेश्चन को पूछा गया है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो टू का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बोलिए राइट आंसर बोलिए, ऑप्शन नंबर डी, जॉनसन ने बता कहा है सीमांत मानव की अवधारणा दी है। और आपके एग्जाम में यह भी इम्पोर्टेंट है कि आपके एग्जाम में पूछता है क्या, तो सीमांत उपयोगिता पूछ देता है। सीमांत उपयोगिता आपके एग्जाम में पूछता है, तो आपको फ्रेंड्स ये भी याद रखना है कि सीमांत उपयोगिता क्या होता है। तो किसी याद रखिएगा, किसी वस्तु या सेवा के उपयोग में इकाई वृद्धि करने पर, जो इकाई वृद्धि होती है, इकाई वृद्धि करने पर प्राप्त होने वाले लाभ को उस वस्तु का क्या कहा जाता है, तो सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। तो याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 2011 में भी पूछा गया है, 2015 में पूछा गया और 2016 में भी पूछा गया है। सामुदायिक विकास योजना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था? सामुदायिक विकास आपने पढ़ा होगा, आपने चैप्टर को कंप्लीट किया होगा तो आपने पढ़ा होगा सामुदायिक विकास आखिर होता क्या है। तो अगर ऑप्शन है ग्रामीण उद्योगों का विकास, ग्रामीण बेरोजगारों को रोजगार, कृषि उत्पादन में वृद्धि या गांवों का सर्वांगीण विकास। तो क्या होगा इसका राइट आंसर आपको बताना है, तो फटाफट से कीजिए, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो थ्री का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गांवों का सर्वांगीण विकास होता है, यही सामुदायिक विकास होता है। सामुदायिक कहने से आपको समझ में आ रही होगी कि सामुदायिक विकास आखिर होता गया। तो कुछ टर्म्स आप मतलब वर्ड को भी देखकर पकड़ सकते हैं, उसका राइट आंसर आप दे सकते हैं। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए 2011 में भी, 15 में भी और 16 में भी पूछा गया है एनुअल एग्जामिनेशन में। तो याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रामीण एवं नगरीय समुदाय को पृथक करने का मुख्य आधार है, पृथक मतलब अलग, अलग करने का मुख्य आधार क्या है ग्रामीण और नगरीय समुदाय का? आपके पास ऑप्शन है जनसंख्या का आकार, सामाजिक संबंध की प्रकृति, व्यवसाय की प्रकृति, उपभोग की प्रकृति। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, फटाफट से कीजिए फोर का राइट आंसर। तो फोर का राइट आंसर बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी, व्यवसाय की प्रकृति। ग्रामीण एवं नगरीय समुदाय को पृथक करने का मुख्य आधार है व्यवसाय की प्रकृति। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया 2012, 2014 और 2015 में। तो जितने भी क्वेश्चन हैं सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो कि प्रीवियस एग्जाम में आपके पूछे गए हैं और रिपीटेड क्वेश्चन को लिया गया है। तो याद रखिएगा, ये सब मतलब आपके एग्जाम के लिए 100% इंपॉर्टेंट इसे कह सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रवाद का अर्थ, देखिए 2013 में पूछा गया, 2015, 2016 और सिंपल सा क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद का अर्थ सबको पता है। तो आपके पास ऑप्शन है सामान्य सामाजिक पृष्ठभूमि, राष्ट्रवाद कह रहा है जी, तो सामान्य सामाजिक पृष्ठभूमि ये तो रिजेक्ट हो गया, सामान्य जाति पृष्ठभूमि ये भी रिजेक्ट है, सामान्य भौगोलिक पृष्ठभूमि आपके पास ये भी रिजेक्ट है, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, हमें तो डी लगता है, आपको क्या लगता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। आखिर राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है, किसी को पता है? हाँ, तो राष्ट्रवाद का अर्थ होता है कि राष्ट्र के प्रति क्या हुआ, तो निष्ठा होना चाहिए, उसके प्रति उसकी प्रगति और उसके प्रति सभी नियम आदर्शों को बनाए रखने का सिद्धांत होना चाहिए, यही सब राष्ट्रवाद का क्या होता है, तो मेनली जो अर्थ होता है। और बेसिकली ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वीवीआई क्वेश्चन से आप मान लीजिए 100% आप इंपॉर्टेंट भी
कह सकते हैं, क्योंकि देखिए रिपीटेड क्वेश्चंस हैं और कोई ठीक नहीं है कि 2021 में भी आपको एग्जाम में पूछा जाए। तो याद रखिएगा आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय समाज में सामाजिक स्तरीकरण का बुनियादी आधार क्या है, सॉरी बुनियादी आधार क्या है। आपके पास ऑप्शन है धन एवं संपत्ति, जाति, परिवार या अंतरराष्ट्रीयतावाद। तो सिक्स का बहुत मतलब सरल सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और सिक्स का आपको सही जवाब मैं बताने जा रहा हूँ। तो ऑप्शन नंबर बी जाति। भारतीय समाज में सामाजिक स्तरीकरण का बुनियादी आधार क्या है, तो जाति है, याद रखिएगा। और जाति क्या होता है, जाति के आधार पर तो भारतीय समाज क्या है तो टिका हुआ है और यही इसका तो बुनियाद है ना। तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, याद रखने वाला है, 2013 में पूछा गया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, याद रखिएगा। और हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको जितने भी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव लॉन्ग्स और जितने भी क्वेश्चंस होंगे सभी तरह के क्वेश्चंस कराए जाएंगे। तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आपकी तैयारी फुल्ली इस चैनल पर कराई जाएगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7, उपनिवेशवाद किस सोच का प्रतिफल है। टर्म्स यहाँ उपनिवेशवाद आया है, तो आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए और इसके बारे में आपको बताना चाहिए। तो उपनिवेशवाद होता क्या है आखिर, तो पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव को देखते हैं, उसके बाद हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो कहता है कि उपनिवेशवाद किस सोच का प्रतिफल है, तो आपके पास ऑप्शंस हैं साम्राज्यवाद, समाजवाद, मानवतावाद, अंतरराष्ट्रीयतावाद। तो इसका जो राइट आंसर 7 का होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, समाजवाद। याद रखना है समाजवाद जो होगा उपनिवेशवाद के सोच का प्रतिफल है। और फ्रेंड्स होता क्या है उपनिवेशवाद, तो देखिए याद रखिए, किसी एक भौगोलिक क्षेत्र के लोगों द्वारा किसी दूसरे भौगोलिक क्षेत्र में उपनिवेश स्थापित करना और यह मान्यता रखना कि यह एक अच्छा काम है, इसी को कहा जाता है उपनिवेशवाद। आप पढ़े होंगे ना, आप बुक में पढ़े होंगे, याद रखिएगा आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा, समाज शास्त्र का जनक कौन है। और देखिए क्वेश्चन का तो लाइन लगी है भाई, 2014, 2015, 16, 18 और 19 में पूछा गया है लगता है। देखिए सम विषम, सम सम विषम, तो अगला बार सम विषम हो सकता है कि आएगा, याद रखिएगा। समाज शास्त्र का जनक कौन है, आपके पास ऑप्शन है दुर्किन, कॉम्प्ट, सोरिकिन, कूले। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो, क्योंकि चैनल पे आपको बार बार कहा जा रहा है शॉर्ट लॉन्ग जितने भी तरह के क्वेश्चंस होंगे सभी तरह के क्वेश्चंस कराए जाएंगे। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कॉम्प्ट। और फ्रेंड्स आपको ये भी याद रखने हैं कि कॉम्प्ट का पूरा नाम क्या था, तो कॉम्प्ट का पूरा नाम था, याद रखिएगा, लिख दें सुन लीजिए, इजे, याद रखिएगा, इजेदोर मौरी ऑगस्ट फ्रांसवा हावियर कॉम्प्ट, याद रखिएगा, बहुत ही लंबा चौड़ा नाम है, याद रखिएगा, या कॉम्प्ट से भी आपको काम चल जाएगा, तो याद रखिएगा आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, भारत के किस विश्वविद्यालय से समाज शास्त्र की पढ़ाई शुरू हुई थी। आपके पास ऑप्शन है बंबई विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय या दिल्ली विश्वविद्यालय। तो मैं कुछ गेस करता हूँ, आप बताइएगा, ए 50-50 कर देते हैं, ए और बी में बताइए कौन होगा। बिल्कुल सही, बंबई विश्वविद्यालय 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, 2018 में भी पूछा गया है, तो याद रखिएगा आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है ही है। एंड क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, क्रिप्स योजना कब प्रारंभ हुआ था। आपके पास ऑप्शन है 1942 ईस्वी में, 1943 ईस्वी में, 1941 ईस्वी में, 1944 ईस्वी में। तो 10 का राइट आंसर आपको बताने हैं जी। तो क्रिप्स मिशन होता क्या है, बहुत लोगों को यही समझ में नहीं आया क्रिप्स मिशन होता क्या है। नहीं, आप पढ़ लिए हों किताब तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा, बहुत मतलब ये इंपॉर्टेंट और हेडलाइंस है जी, हेडलाइंस इसको कहिए, हाइलाइटेड टर्म्स है क्रिप्स योजना। हाँ, तो इसका राइट आंसर आपका 10 का ऑप्शन नंबर ए 1942 ईस्वी में। समझ लीजिए क्रिप्स योजना, क्रिप्स मिशन आखिर होता क्या है। तो कहा जाता है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसमें भारतीयों को सहयोग प्राप्त करने के लिए मतलब सहायता देने के लिए एक असफल प्रयास किया गया था। सुनने में कैसा लगा, असफल प्रयास किया गया था, इसी को क्रिप्स योजना या क्रिप्स मिशन का नाम दिया गया और इसकी शुरुआत जो हुई थी 1942 ईस्वी में हुई थी। ये भी आपको याद रखना है, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समाज शास्त्र की उत्पत्ति किन भाषाओं से हुई है। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना, थोड़ा सा मतलब प्रिंटर का थोड़ा सा परेशानी है। समाज शास्त्र की उत्पत्ति किन भाषाओं से हुई, आपके पास ऑप्शन है लैटिन एवं फ्रेंच, लैटिन एवं ग्रीक, लैटिन एवं अंग्रेजी, ग्रीक एवं अंग्रेजी। तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लैटिन एवं ग्रीक, याद रखिएगा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, लैटिन एवं ग्रीक, लैटिन एवं ग्रीक, लैटिन एवं ग्रीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
सोसाइटी इन इंडिया किसने लिखी है और सोसाइटी के लेखक कौन थे जी, तो मकाइवर एवं पेज के है ना, याद रखिएगा। और सोसाइटी इन इंडिया किसने लिखी है, आपका ऑप्शन है मेंडल बम, बम बम बड़ा बम नहीं मेंडल बम, हाँ के एम कपाड़िया, कपाड़िया याद रखिए कपाड़िया, एम एम शाह, डब्ल्यू आई वार्नर। तो आपको इसमें से कौन सा नाम सिंपल लग रहा है, तो इसमें देखिए थ्री वर्ड थ्री वर्ड थ्री वर्ड यानी मेंडल मेंडल बम, बम है तो बम है, सोसाइटी इन इंडिया बम ने लिखा है, याद रखिएगा बम ने लिखा है सोसाइटी इन इंडिया मेंडल बम ने, याद रखना आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी भारतीय समुदाय की सर्वप्रथम विशेषता है, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले इसका आंसर मैं बताने से पहले आपको फिर से बता दूं कि आपको अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को फायदा मिल सके। तो इसका जो आपके पास ऑप्शन है, वर्ण व्यवस्था, अनेकता में एकता, जजमानी व्यवस्था, इनमें से सभी, तो क्या होगा 13 का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनेकता में एकता, यही है भारतीय समुदाय की सर्वप्रथम विशेषता, अनेकता में एकता, याद रखिएगा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव समाज एवं संस्कृति का इतिहास कहाँ से शुरू होता है, आपके पास ऑप्शन है गाँव से, शहर से, नगर से, इनमें से कोई नहीं। तो मानव समाज की संस्कृति का इतिहास कहाँ से शुरू होता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बच्चा बच्चा जानता है, सबने बता दिया गाँव से, तो चलिए गांव से, आप लोग जब गांव बोल रहे हैं तो हम कौन रोकने वाले हैं। और 2017 में पूछा भी गया तो 2017 वालों में 2017 में तो एक नंबर सभी को मिल गया होगा आसानी से, याद रखिएगा, मतलब सिंपल सा तो क्वेश्चन था। ऐसे भी जो समाजशास्त्र है चैप्टर बहुत ही सिंपल सा बुक है, सिंपल है और उसको आप आसानी से हैंडल कर सकते हैं, और जिन्होंने समाजशास्त्र लिया बहुत अच्छा किए हैं उनका मार्क्स तो अच्छे से गेन हो सकता है, बस आपको बस शर्त यह है कि आप एक बार चैप्टर को अच्छे से देख लीजिए कम से कम, और एग्जाम टाइम तो मैं गेस्ट क्वेश्चंस भी लाऊंगा ना, और शॉर्ट लॉन्ग तो कराएंगे ही, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। 15 नंबर क्वेश्चन हमारा, आप लोगों ने देख लिया होगा क्वेश्चंस को, भारतीय समाज का विभाजन कई आधारों पर हुआ है, यह विभाजन ही कहलाता है समुदाय, उपनिवेशवाद या राष्ट्रवाद या वर्ग, तो विभाजन क्या कहलाता है जी, 15 का क्या कहलाता है, तो हमारे देखिए समाज का जब विभाजन हुआ तो कहते हैं क्या कि उसका समुदाय अलग है, क्या कहते हैं समुदाय अलग है, तो समुदाय अलग है तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर समुदाय। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्थिक आधार पर समाज कितने वर्गों में विभक्त है, अच्छा इस क्वेश्चन का आंसर आप भी मतलब खोजने की कोशिश कीजिएगा, जैसे आपके बुक में तो 3 बताया लेकिन मेरे अनुसार आर्थिक आधार पर समाज कितने वर्गों में विभक्त होना चाहिए, तो आर्थिक मतलब यही हुआ कि एक गरीब हुए और एक अमीर हो गए, यानी ऑप्शन डी होना चाहिए ना, ऑप्शन डी द राइट आंसर दो, लेकिन आप इसको सर्च कीजिएगा, सर्च करके आप हमें बताइएगा, अगर आपको राइट आंसर पता चले तो नीचे कमेंट में कमेंट कीजिएगा कि 16 का राइट आंसर क्या होगा, लेकिन मेरे अनुसार 2 होना चाहिए। तो आर्थिक आधार पर समाज 2 वर्गों में बटा हुआ है, एक गरीब और एक अमीर, आर्थिक यही होता है, तो याद रखिएगा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और आपको इसका बताना भी आपको खुद जज करना है, बिकॉज यू आर नॉट अ स्टूडेंट यू आर अ टीचर, कोई क्लास 12th में कोई स्टूडेंट नहीं रहता, मतलब एक तरह से सभी लोग टीचर ही हो जाते हैं, तो आपको मतलब बताने हैं। 17 नंबर क्वेश्चन हमारा, उपनिवेशवाद का संबंध है, क्या मैंने उपनिवेशवाद का टर्म समझाया था, यही समझाया था ना, किसी एक भौगोलिक क्षेत्र के लोगों द्वारा किसी दूसरे भौगोलिक क्षेत्र में उपनिवेश स्थापित करना और यह मान्यता रखना कि यह एक अच्छा काम है, क्या कहलाती है जी, उपनिवेशवाद कहलाती है, सुन लीजिए मेरी बातों को अच्छे से, किसी एक भौगोलिक क्षेत्र के लोगों द्वारा किसी दूसरे भौगोलिक क्षेत्र में उपनिवेश स्थापित करना और यह मान्यता रखना कि यह एक अच्छा काम है, उपनिवेशवाद कहलाती है, याद रखिएगा। तो उपनिवेशवाद का संबंध है, आपके पास ऑप्शन है पूंजीवाद से, तो क्या इसमें तो हम लोग व्यापारी ही करते हैं, समाजवाद से, साम्यवाद से, साम्राज्यवाद से, तो 17 का तो सभी को लग रहा होगा कि क्या होगा, तो उपनिवेशवाद तो भौगोलिक क्षेत्र को करते हैं तो साम्राज्य स्थापित करते हैं, ऑप्शन डी द राइट आंसर, नेक्स्ट याद रखिएगा आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और 18 नंबर क्वेश्चन हमारा, उपनिवेशवाद निम्नलिखित किस सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की उपज है, आपका ऑप्शन है समाजवाद, पूंजीवाद, साम्यवाद, अंतरराष्ट्रीयवाद, तो 18 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, सभी को पता है नहीं पता है तो बी पर मारिए, बी को लॉक किया जाए और बी द राइट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय समाज में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या है, क्या इसका आंसर हमें बताना पड़ेगा, आप खुद अपने घर में देखिए ना, आपके घर में पुरुष ज्यादा है या महिला, आप गांव की स्थिति देखिए, घर में तो हो सकता है कि मतलब आपको महिलाएं कम नजर आती है ना,
तो कम इधर आई टेंशन, आप इस पर मार्क्स क्या कर सकते हैं तो गेन कर सकते हैं। याद रखिएगा ये सब इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। और बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, किसने कहा समुदाय सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है? तो समुदाय सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है, किसने कहा? तो हमें तो लगता है कि मैंने नहीं कहा, के डेविस ने कहा क्या, रेडफील्ड ने कहा क्या, बोडिन ने कहा क्या, ये मैकावर एवं पेज ने कहा क्या? तो यही लोग तो भाई सोसाइटी के लेखक हैं, मैकावर एवं पेज। अपर सही से दीर्घ से भी कर सकते हैं, मैकावर एवं पेज, तो याद रखिएगा। और मैकावर एवं पेज के अनुसार आपको पता है कि समाज शास्त्र की क्या परिभाषा होती है। समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में, संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं। याद रखिएगा आपके एग्जाम के लिए ये बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट है, बार बार रिपीट ऐसे ही नहीं कर रहा हूं मैं। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन किसने प्रारंभ किया? कौन? गांधी जी आप लोग करते हैं। ऑप्शन है राज नारायण बसु, राम सिंह कुक्का, ऑप्शन सी है वासुदेव जोशी, ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। सभी को लग रहा है महात्मा गांधी द बेस्ट, महात्मा गांधी बेस्ट, लेकिन स्वदेशी आंदोलन की जो शुरुआत जो किए थे आपके राज नारायण बसु। याद रखिएगा राज नारायण बसु इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि सभी लोग महात्मा गांधी की ओर जा रहे थे, लेकिन होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन है। याद रखिएगा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उदार राष्ट्रीयता का काल है, उदार राष्ट्रीयता का काल है। आपके पास ऑप्शन है 1885 से 1905, 1905 से 1918, 1919 से 1947, 1947 से 1958। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1885 से 1905। याद रखिएगा बिल्कुल सही, उदार राष्ट्रीयता। उदार कहने से आपको मतलब समझ में आ रहा है कि अरे भाई उदार हो रहा है। 23 नंबर क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2018 के लिए। और चैनल को अभी तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, क्योंकि इसी चैनल पे आपको सभी चीज मिलने वाले हैं, आपके एग्जाम की तैयारी होने वाली है। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, गलत बात। 23 नंबर क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक परिवर्तन के में विचारों की भूमिका पर बल दिया है? आपके पास ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, पेरेटो, टैनबी। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मैक्स वेबर। देखिए जब मैं एग्जाम दिया था तो 2018 में, मतलब मैंने तो एग्जाम बहुत पहले दिया था, तो उस टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया। तो याद रखिएगा आपके एग्जाम के लिए, बट ऑब्जेक्टिव में नहीं था, शायद वन वर्ड में था। 24 नंबर क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में कौन सामाजिक स्तरीकरण का रूप नहीं है? सामाजिक स्तरीकरण इंपॉर्टेंट टर्म्स है, आपको याद रखने हैं। ऑप्शन से है धर्म, वर्ग, जाति, टॉनवी। तो 24 तो टॉनवी तो आपका छट जाता है, तो जाति द राइट आंसर, ऑप्शन सी द राइट आंसर, सी को लॉक कीजिए और याद रखिएगा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25 नंबर, सोशल चेंज शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? सोशल चेंज मतलब कि सामाजिक चेंज। ऑप्शन से है हर्बर्ट स्पेंसर, एल एच मॉर्गन, डब्ल्यू एफ अकबर, ई दुखिर्म। तो आपके पास ऑप्शन है ए बी सी डी, लॉक कीजिए क्योंकि लास्ट एंड फर्स्ट क्वेश्चन है एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, पहले मेरी कुछ बातों को सुनिए तब बताऊंगा इसका राइट आंसर। देखिए उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आई हो। वीडियो अगर समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, आपको कमेंट करके बताना है कि अगला जो आपको ऑब्जेक्टिव चाहिए वो किस चैप्टर का चाहिए, कौन से सब्जेक्ट का चाहिए, क्योंकि आर्ट्स में बहुत से सब्जेक्ट होते हैं, जिसका ज्यादा वोटिंग हो रहा है उसी का मैं वीडियो ला रहा हूँ। तो याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। तो 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हर्बर्ट स्पेंसर। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि शॉर्ट लॉन्ग सभी तरह के क्वेश्चन आपको इस चैनल पे कराए जाएंगे। और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।